हाय एवरीवन, ये जो आपके सामने गैजेट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैमरा, राइट? एंड एक ऐसा गैजेट है जो कुछ भी कर सकता है। लिटरली ये आपके ऐसे मेमोरीज़ को कैद कर सकता है जो आप बहुत दिन के बाद भी इसको जब देखोगे, उस मेमोरी को जब देखोगे तो आपको वो पुराने दिन याद आ जाएंगे। जैसे आप लोग करते हो ना, जैसे आप लोग पिक्चर्स खींचते हो, है ना, क्लिक करते हो एंड अभी क्या करते हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो एंड आप लिखते हो कि नहीं, फीलिंग नॉस्टैल्जिक विद 10 अदर्स। खैर, आप 10 लिखो, 48 लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट वो हम क्यों करते हैं? वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो है ये एक मेमोरी बन जाती है। कुछ लोग देखना क्या करते हैं, कहीं पे घूमने गए हैं एंड वही चीज़ 2-3 साल के बाद भी उसको फिर से रिपीट करते हैं एंड बोलते हैं फीलिंग नॉस्टैल्जिक। अरे अमीर दिखने के लिए करते हैं, खैर कोई बात नहीं। खैर जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें होती है मेमोरीज़, ठीक है। तो हमारा जो आज का पोएम है, अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टल्सन, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हमारी जो पोएटिस है उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर की है इस फोटोग्राफ के माध्यम से। ये एक ऐसा पोएम है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अब देखो, हम नॉर्मली हम लोग जब कोई मेमोरी देखते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ की याद आती है, इमोशनल होते हैं, तो या तो हम स्माइल करते हैं उन चीज़ों को याद करके, या तो रो पड़ते हैं। तो जो पोएट होते हैं या जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी के ऊपर वो तो या तो कोई पोएम लिखते हैं या तो कोई स्टोरी लिखते हैं। तो सिमिलरली शर्ली टल्सन ने एक पोएम लिखा है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, जिसमें उन्होंने अपनी मम्मी को ट्रिब्यूट दिया है। अब देखो, ये एक इंसानी फितरत है कि जो भी चीज़ या जो भी व्यक्ति अगर आपके साथ रहता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो हम उनकी कदर करते हैं। तो अब ये तो होता है ना कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी याद बहुत ज़्यादा आती है। अगर सोचो, जैसे इस कोविड में देखो एक चीज़ कि कितने बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए, तो सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। तो जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, ये पोएम उनके साथ, वो अपने साथ ही रिलेट कर सकते हैं इस पोएम को, और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। मेक श्योर कि जब आप ये पोएम सुन रहे हो तब आप इसी एक इमोशनल वे में इसको सुनो, ठीक है। मतलब कुछ अलग चीज़ों के बारे में मत सोचो, कम्प्लीटली इस पोएम में ही घुस जाओ, बात यही है। लेकिन अगर आपको, और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि अगर आपको ये पोएम, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो भाई लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो अब हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं लाइन बाय लाइन। चलो, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, जो हम लोग कोई पिक्चर फ्रेम करते हैं, जो किस तरीके से फ्रेम करते हैं, अभी वुडन फ्रेम आ गए हैं तो आप देख सकते हो कि उसके पीछे भी एक कार्डबोर्ड रहता है। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब है उनकी एक पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? हमारी जो पोएटिस है उनकी मदर की पिक्चर है, ठीक है। वो एक कार्डबोर्ड, एक पिक्चर फ्रेम की गई है एंड वो पिक्चर जब वो देख रहे हैं, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जब हम लोग पिक्चर देखते हैं पूरा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं ना, वही पुराने दिन याद आते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि वो भी क्या दिन थे, है ना। या अगर कोई बिछड़ गया है तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड मैंने पहले भी यही बोला है कि हमारे इस पोएम में हमारी पोएटिस ने क्या किया है, अपनी मम्मी को ट्रिब्यूट दिया है, उन्होंने अपने मम्मी के बारे में बताया है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि जब मैं ये कार्डबोर्ड देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि वो भी क्या दिन थे, वो कितना अच्छा दिन था। When the two girl cousins went paddling, paddling का मतलब क्या है, चलना, ठीक है, वो साइकिल वाला पैडलिंग नहीं, चलना। Each one holding one of my mother's hand, यानी कि मान लो ये एक, ये उनकी मम्मी हैं एंड ये उनकी मम्मी की कजिन्स हैं, ओके। एंड ये लोग अपना, ये जो दो कजिन्स हैं ये लोग उनकी मम्मी के हाथ को पकड़ के वो चल रहे हैं।
ऑल द थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल देयर हेयर थ्रू देयर हेयर. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वो बीच बह गए हैं अपने हॉलीडे मनाने. कौन गया है हॉलीडे मनाने? पोएटस की मदर गई हैं हॉलीडे मनाने. एंड पोएटस की मदर तब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तब एक छोटी सी लड़की थी, ज़्यादा नहीं. तो आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है इसमें एक बड़ी सी लड़की है, ये जो लड़की है ये पोएटस की मदर है. एंड जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये पोएटस की मम्मी के कज़िन्स हैं, ठीक है. कज़िन्स यानी कि उनके अंकल के या कोई भी रिलेटिव के जो बच्चे होते हैं, सिस्टर्स और ब्रदर्स जो होते हैं वो हैं. एंड यहाँ पे सिस्टर्स की बात की गई है. अब वे तीनों खड़े होके क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं. एंड स्माइल जब कर रहे हैं तब अब देखो सी बीच में अगर कोई खड़ा होता है तो वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है. एंड जब हवा चलती है तो क्या होता है, हमारे हेयर्स जो है वो उड़ते हैं. तो सिमिलरली ऐसे ही उनके हेयर्स उड़ रहे थे एंड वो स्माइल कर रहे थे. किसकी तरफ? कैमरा की तरफ. एंड कैमरा कौन पकड़ा हुआ था? उनके अंकल ने. एंड वो बोल रही है, हमारी जो पोएटस है वो बोल रही हैं कि उनके मम्मी का जो फेस है बहुत ही प्यारा सा फेस है. एंड ये कब की बात है? जब पोएटस पैदा भी नहीं हुई थी, जब उनके मम्मी बहुत ज़्यादा छोटी थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. अब सी बीच में क्या होगा? ऑब्वियसली सी होगा. तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी बात की गई है कि जो सी है ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो ह्यूमन है वो ह्यूमन तो भाई नहीं है. उनकी जो मम्मी वो उनका डेथ भी हो चुका है. यहाँ पे देखो क्या बोला है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट यानी कि टेम्पररी, जिसको हम लोग कहते हैं. अब टेम्पररी फीट यानी कि हमारी जो पैर है, यानी कि हम इंसान, हम लोग ज़्यादा दिन जियेंगे नहीं, कुछ ही दिन जियेंगे एंड कुछ ही दिन मर जाएँ. कुछ दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे? मर जाएंगे. बट ये जो सी है, अब ये लोग सी बीच के पास पिक्चर खींच रहे हैं. देखो सी बीच में कितने सारे लोग आते हैं, वहाँ पे सी रहता है, सी लेकिन वहाँ पे रह जाता है, लेकिन जो लोग आते हैं वो कुछ दिन के बाद वो दे आर मेंट टू डाई, राइट. तो ये चीज़ होता है. एंड ये जो सी बीच से ये जो पानी जो उनके पैरों पे जो लग रही है, ये जो शोर पे से जो पानी उनके पैरों में लग रही है, ये एक ट्रांजिएंट फीट को टच कर रही है. ट्रांजिएंट फीट अगेन एक टेम्पररी फीट, यानी कि कुछ दिन के बाद मर जाएंगे. उनकी मम्मी अब और नहीं है, बट सी जैसे का वैसा ही है. शायद थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, पानी कम हो गई होगी या पोल्यूशन ज़्यादा हो गया होगा, इस तरीके से चेंज हुई है, ठीक है. ये जो पिक्चर में बता रही थी वही चीज़ है. अब देखो, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say. And look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. Wry का मतलब क्या है? यहाँ पे disappointment की बात की गई है, ठीक है. And labored यानी कि तो मेहनत करने वाला. Ease यानी कि easily कुछ मिलने वाला, ठीक है. अब हम जानते हैं इसका मीनिंग क्या है. अब ये जो चीज़ हुई थी, ये चीज़ तब उनकी मदर जो है वो 12 साल की थी, ठीक है. अब 20-30 साल के बाद जब, अब ये जो पैरा है ये तब की बात है जब उनकी मम्मी जिंदा थी, when she was alive, okay. तो जब उनकी मम्मी ज़िंदा थी, अब ये तो उनकी मम्मी के बचपन की फ़ोटो है. हम भी अपने बचपन के फ़ोटो अभी भी देख के स्माइल करते हैं, हंसते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, राइट. तो ये भी उसी समय की बात है. तो 20-30 साल के बाद वो उनकी मम्मी जो है ये स्नैपशॉट पे देख के, वो स्नैपशॉट को देख के हंसती है. एंड वो पोएटस को बोलती है कि देखो बेटी और डॉली, यानी कि वो जो दो कज़िन थे, एक का नाम था बेटी और एक का नाम था डॉली, देखो ये लोग कैसे यहाँ पे खड़े हैं, कैसे हमें हमारे पेरेंट्स ने कैसे ड्रेसअप किया है, कैसे ड्रेस पहना दिया है हमको. अब देखना बचपन में जब हमारे पेरेंट्स हमको ड्रेसअप करते थे, पहना देते थे कपड़े, बहुत ही अजीब तरीके से उनके अकॉर्डिंग पहनाते. एंड जब व्हेन वी ग्रो अप वी ड्रेसअप अकॉर्डिंग टू अस, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक के बेसिस पे हम लोग ड्रेस करते हैं, ड्रेसअप होते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी पोएटस की जो मम्मी है, उनके मम्मी यानी कि पोएटस के ग्रैंड मदर या उन लोगों ने पोएटस एंड उनके कजिन्स को किस तरीके से तैयार किया है बीच पे लेके जाने के लिए. एंड ये एक सी हॉलीडे है, राइट. अब उनकी मम्मी के लिए ये जो सी हॉलीडे है वो पास्ट था, ठीक है. बट अभी
पोएटिस के लिए उनकी लाफ्टर, यानी कि ये जो पिक्चर देख के वो स्माइल करती थी 20-30 सालों के बाद, ये देख के वो हमारी पोएटिस जो है वो अभी उनको मिस करते हैं। अब दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं, दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं, यानी कि उनकी जो मम्मी थी जब वो पैदा मतलब अलाइव थी, ठीक है, एंड जब वो 20-30 सालों के बाद वो पिक्चर देख के मतलब देखती थी एंड वो डिसअपॉइंट हो जाती थी, वो भी यही सोचती काश क्या भी क्या वो दिन थे, है ना। एंड उन एंड जो पोएटिस है वो अभी डिसअपॉइंट क्यों है, क्योंकि उनकी मम्मी और नहीं है, ओके, शी इज़ नो मोर, एंड वो उनकी मम्मी के स्माइल को, उनकी हंसी को मिस कर रहे हैं। एंड ये चीज़ बहुत ही आसान तरीके से हो गई है। आसान तरीके से क्या हुई है, ये जो चीज़ जो हमारी जो लाइफ है क्या होता है, चेंज होते जाता है, एंड हम लोग इंसान मरते हैं, हम फिर जिएंगे फिर मरेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो मतलब कभी ना कभी पेरिश होंगी ही, ठीक है। तो उनकी मम्मी भी भाई मान ली थी कि हाँ भाई चलो ये तो बचपन का फ़ोटो है, अब ये इतना बुरा मान दुखी रह के कि क्या ही करेंगे। एंड पोएटिस भी जो है वो भी बोल रहे हैं कि अब देखो ये तो होना ही था, उनके मम्मी का डेथ तो होना ही था, बट ये देखो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ है, बट फिर भी वो लोग बहुत ही ईजीली अपने लॉस को एक्सेप्ट कर रही है। लास्ट पार्ट, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उनकी जो मम्मी है अब उनको मरे हुए 12 साल हो गए हैं, ठीक है, एंड ऑफ द सर्कमस्टांस देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। एंड वो अब ये बोल रहे हैं कि अब ये जो उनका जो डेथ हो गया, ये जो पूरी जो घटना है, ठीक है ना, अब इसके बारे में उनको और कुछ बोलना नहीं है, अब वो एकदम साइलेंट हो गई है, एकदम चुप हो गई है, वो क्या बोलेंगी, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक ना एक दिन कभी ना कभी होगी, मेरे साथ होगी, आपके साथ होगी, बहुत लोगों के साथ हो भी चुकी है ना, तो ये तो चीज़ होगा, तो इस सर्कमस्टांस के बारे में उनको और कुछ कहना ही नहीं है। अब ये चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है, यानी कि वो डिसअपॉइंट तो है ही, बट अब कुछ बोलने का भी नहीं है। ये था हमारा पोएम, अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टल्सन। सो हाउ वॉज इट चिल्ड्रेन, आई होप यू लाइक्ड इट। अब मैं फटाफट से कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेती हूँ। यस दिस कलर, ओके, अब चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो पहले जो हमें दिखता है वो है, एक सेकेंड, हाँ, वो है एलिटरेशन, ठीक है। एलिटरेशन का मतलब क्या है, जब कोई भी नेबरिंग वर्ड्स, ठीक है, उनका जो इनिशियल साउंड अगर सेम हो तो वो हो जाता है हमारा एलिटरेशन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मुझको दिख रहा है माई एंड मदर्स, एम और एम, है ना, ये ऐसे हो गया एलिटरेशन। देन थ्रू, फिर देयर, टीटी, ठीक है, ये हो गया एलिटरेशन। अब यहाँ पे हमें एंजैबमेंट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो शुरू हुआ है, अरे क्या हुआ, एक सेकेंड, यहाँ से देखो ये लाइन जो है ये शुरू हुई है एंड यहाँ तक आई है, यहाँ तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क देखो वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जाके एक पंक्चुएशन मार्क दी गई है। सो यहाँ पे जो है एक एलिट्रेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ये ट्रांजिएंट फीट, ये है हमारा एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, जब कोई भी एडजेक्टिव यूज़ की जाती है फॉर अ नाउन, ऑफ कोर्स फॉर नाउन के लिए यूज़ होगी, तो उसे हम बोलते हैं एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओके। सो ये हो गया हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे आपको और भी एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूँ, अच्छा 12 ई साउंड यहाँ पे आ रहा है, बिग गर्ल ई साउंड आ रहा है, ठीक है। तो फिर देयर, हेयर, ए आई आर, ई आई आर, ये साउंड क्या आ रहा है, वॉवल का साउंड है। सो ये है हमारा एसोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है, या तो वर्ड के पहले, या तो वर्ड के बीच में, या तो वर्ड के एंड में आती है, तो वो होती है कॉन्सोनेंस। वर्ड के पहले अगर आएगी तो वो होती है एलिट्रेशन, वर्ड के बीच में या लास्ट की तरफ आएगी तो वो होती है हमारा कॉन्सोनेंस, ठीक है। फिर जैसे देखो बिफोर, ये आर साउंड, बॉर्न आर साउंड, ये है हमारा कॉन्सोनेंस,
ओके एंड यहाँ पे और एक ये देखो, ये जिसके बारे में बात करी थी, लेबर्ड इज, ये है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है? जब दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। लेबर्ड का मतलब क्या है? जब बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है, बहुत मेहनत करके अगर कुछ होता है तो। एंड ईज का मतलब क्या है? बहुत ही कंफर्टेबली अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो। सो लेबर्ड यहाँ पे अलग है एंड ईज यहाँ पे अलग है। जैसे डार्क लाइट, ठीक है, डार्क लाइट हो गया, फिर इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो हो गई हमारी ऑक्सीमोरन, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है। सो यही था हमारा आज के लिए, आज का लेसन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।